स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान से रेड रिबन क्लब के लिए एचआईवी एड्स विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने किया। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 23 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। एमपीडब्ल्यू कार्यशाला में रेड रिबन द्वारा आयोजित की गई इस कार्यशाला में जिला के निजी संस्थानों के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि अस्पताल रेड रिबन क्लब ने जिला के हर संस्थान में रेड रिबन की कमेटियां बनाई है, जिनको कार्यशाला द्वारा एड्स और रक्तदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसमें हर संस्थान से 3 से 4 लोग भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जिला का हर नागरिक एड्स और रक्तदान के बारे में जागरूक हो। कार्यशाला का आयोजन किया गया, एक दिवसीय कार्यशाला का जो आयोजन था, ये रेड रिबन क्लब्स हैं जो हमारे यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर हमने रेड रिबन क्लब जो हैं वो बना रखे हैं, और उनको हमने उनके जो रिसोर्स पर्सन थे उन रेड रिबन क्लब्स के और जो इंचार्ज थे उनको आज हमने बुलाया था और उनको जागरूक करा। हमने एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी दी, उनको ब्लड डोनेशन के बारे में जानकारी दी, और ताकि वो अपने अपने वहाँ पे जाके इस जागरूकता को और आगे बढ़ाएं, फैलाएं, और इस जो बीमारी जो एचआईवी है उसके बारे में उनको पता चल सके और रक्तदान के क्या क्या लाभ हैं वो उनको पता चल सके। ये हमने कार्यशाला का इसका आयोजन किया, और कल भी ये कार्यशाला दूसरे रेड रिबन क्लब्स के लिए है और उसके बाद एक दिन और है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के जितने भी रेड रिबन क्लब्स हैं, हम सबको ये जो है जो ट्रेनिंग है एक दिन की वो दे रहे हैं। जिला के कितने लोग क्लब से 3-3 जो सदस्य हैं उस रेड रिबन क्लब से वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत एचआईवी एड्स रोगियों से 0 भेदभाव, एचआईवी एड्स से 0 मौतें और 0 नए मामलों को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एचआईवी विषाणु का पता लगाने के लिए अपना खून चेक करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह टेस्ट सभी आईसीटीटी में निशुल्क किया जाता है। एचआईवी एड्स रोगी को सही पोषाहार, व्यायाम और नशे से दूर रहना चाहिए। यदि एआरटी शुरू कर दी गई तो उन्हें नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।